Lesbians and More Guys! Yeah, you're some applauding! All together! एक बार मूवी नो डेट नो एक बार कही दे क्या सर रिलीज है रिलीज 14 फेब वैलेंटाइन्स डे अने वैलेंटाइन्स नो सॉन्ग आपने तमारे सामे एज अ म्यूजिक लॉन्च एक सॉन्ग तमारे सामे पेश कर अने तमारे सामे इतने पहली बार सफलता नो सॉन्ग पब्लिकली आपने लॉन्च करी रहे हैं अने प्रेम थी नाच जो डांस बेस मूवी छे धर्मेश सर यहां छे आर यू रेडी फॉर द डांस ऑल द बेस्ट आ सॉन्ग मारो फेवरेट छे आंखों ने अंदर दस्ताना गरे एक चेहरे हरकत कर छे Oh!
સો ગાઈઝ આ બહુ બધા સોંગ છે, એવા બહુ સારા સારા ડાન્સિંગ ના બી છે. ફર્સ્ટલી થેન્ક યુ સો મચ ફોર ગિવિંગ ઓલ યોર પોટેન્શિયલ એન્ડ એન્થુઝિયાઝમ એન્ડ એનર્જી એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ ફોર વેઇટિંગ સો લોંગ ફોર ઓલ ઓફ અસ. This is your host. हाँ यार, बहुत सारी आ रही है ऐसी देखने यादव. तो गुजराती फिल्म आ रही है, पहली गुजराती फिल्म आपकी, प्लीज उसके बारे में बताइए. और पहले तो बहुत हमारी ऑडियंस को हेलो हाय कह दीजिए. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ धर्मेश. और एक्चुअली मैं गुजरात से हूँ, आप सभी लोगों को बता रहा हूँ. मेरी नहीं बोलूँगा, हमारी पहली मूवी आ रही है गुजराती मूवी है, वो भी डांस बेस्ड मूवी है. एंड बहुत प्राउड फील है कि पहली गुजराती डांस मूवी जो हम लोग लेके आ रहे हैं. एंड आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रगल है, इसमें दोस्ती है, रिलेशन है, हर एक चीज़ है इसमें. ये स्क्रिप्ट मेरे दिल के बहुत करीब है. मेरे जितनी भी मूवी की उससे मुझे ऐसा लगता है कि ये स्क्रिप्ट मेरे दिल के बहुत करीब है. एंड बहुत दिल से काम किया है सभी लोगों ने. एंड मूवी बनाने के टाइम पर सिर्फ गुजराती मूवी या साउथ मूवी या पंजाबी मूवी या कुछ मूवी नहीं, सब मूवी में प्रॉब्लम होता है, ये मैंने देखा है. इवन स्ट्रीट डांसर में भी होते हैं. आप जब कोई प्रोजेक्ट लेके बैठते हो तो उसमें हर एक चीज़ प्लस होके नहीं चलती, कुछ ना कुछ माइनस चीज़ें होती हैं. वही है कि माइनस जब चीज़ें होती है तब कोई साथ छोड़ के नहीं जाता ना, तब वो चीज़ तुम्हारी प्लस हो जाती है. तो यही है कि हमारे जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, एंड सब लोग साथ में चले हैं. थोड़ा आगे पीछे हुआ है, बट आई नो आगे पीछे होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके पता चलता है कि कहाँ माइनस में जा रहे हैं, कहाँ हमें प्लस करना है, कहाँ हमें वर्क करना है. सो यही चीज़ है कि ये सब लोग दिल से बनाई ये मूवी. एंड आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा. अगर फिल्मों की अगर हम बात करें तो म्यूजिक, डांस म्यूजिक फिल्में काफ़ी सारी बनी हैं. इस फिल्म में क्या अलग है, क्योंकि डांस इसमें भी है, म्यूजिक इसमें भी है, पर इस बार इसमें क्या डिफरेंट है? गुजराती मूवी में सबसे पहले यूनिक है कि अलग चीज़ है कि डांस बेस्ड मूवी है, ये पहले गुजराती में मैंने तो देखी नहीं कभी. दूसरी एक चीज़ है कि मुझे एज अ मैं एक्टर हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, कुछ भी ऐसे मूवी में बहुत दिग्गज लोग हैं, पर मैं कुछ कर सकता हूँ ये मुझे पता चला ये मूवी में, क्योंकि मैंने इसमें तीन कैरेक्टर किए हैं एंड चौथा भी है जो छोटे एक छोटा बच्चा उसने किया, सो मन ने किया. बट यही चीज़ है कि स्ट्रगल है इसके साथ साथ, कॉलेज की मस्ती है, दोस्त है, गाने बहुत बढ़िया है. मैंने पहले स्क्रिप्ट आधी सुनी थी, उससे पहले गाने सुन लिए थे, और मैंने बोला था कि ये गाने मुझे चाहिए, तब से मेरे पास वो गाने हैं. So मैं तब से सुनता हूँ ये गाने. क्या किरदार है आपका? मेरा किरदार तो ऐसे तीन, मेरे तीन कैरेक्टर मैंने उसमें किए हैं, शौर्य करके मेरा कैरेक्टर है. लेकिन आप जैसे जैसे पोस्टर लॉन्च होंगे, नए नए पोस्टर आएंगे, आपको समझ में आएगा कि हर एक पोस्टर में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ जैसी जर्नी है हमारी लाइफ की, जो हम लोग एवरी डे जीते हैं, आँख खुलते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद की जो जर्नी है ना हमारी, वो काम के लिए हो सकती है, नौकरी ढूंढने के लिए हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है. वो जर्नी हम लोग कैसे, कितने दिल से करते हैं और कितने मन से हम वो कंप्लीट करते हैं, उसके बारे में जर्नी है. ये बात करें एक्टिंग की, धर्मेश जैसे हम पोस्टर में देख रहे हैं बहुत गंभीर दिख रहे हैं आप. हाँ, गंभीर. तो किरदार में कितनी गंभीरता लानी पड़ी है आपको? एक्चुअली बहुत मुश्किल है एक्टिंग, जैसे पता नहीं ये लोग कैसे करते हैं, बट बहुत मुश्किल चीज़ है कि आपको कैमरे के सामने एक्टिंग करनी और ऐसी चीज़ें करनी कि सामने वाला कन्विंस हो जाए कि ये सही बोल रहा है या ये यहाँ तक टच हुआ. तो मैंने एक्टिंग की है, बट इसमें एक अच्छी चीज़ है कि बच्चे लोगों की जो मस्ती है वो भी है, कॉलेज में जो दोस्त यार मस्ती करते हैं वो भी है, एंड प्लस अगर उसके साथ अगर कोई सफलता हमें नहीं मिलती, सक्सेस हमें नहीं मिलती, उसके बाद जो हालत हो जाती है या फिर भी हम लोग डटे रहते हैं,
तो वो एक गंभीर वाला जो कैरेक्टर वो मैंने किया, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे वही कैरेक्टर, वही चीज़, वही पार्ट है जो मुझे एक्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। सर, शौर्य की बेसिकली जर्नी है जो सबको इंस्पायर करने वाली है, और जिसने लिखी है और जिसने निर्देशन किया है इसका, प्लीज क्यों ना आप उनसे मिल पा रहे। हमारे अक्षय याग्निक, इन्होंने लिखी है मूवी और डायरेक्ट भी की हुई मूवी, एंड बहुत सारी चीज़ें मैं सीखा भी हूँ, क्योंकि मुझे पहले फ्रेमिंग वेमिंग भी नहीं पता थी कि फ्रेमिंग कैसे करते हैं, ये रेमो सर ऐसे कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, लेकिन अब पता चला यार फ्रेमिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, शॉट कहाँ से कहाँ कहाँ कटने जाता है, कैसे DI होता है, कैसे कैसे मूवी बनती है, ये इससे मैं सीखा हूँ क्योंकि मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ। सो अक्षय याग्निक जी से जानना चाहते हैं, क्योंकि आप फिल्म के डायरेक्टर हैं, राइटर भी हैं, तो जब किसी फिल्म को पिच करने की बात होती है और किसी किरदार को फाइनलाइज करने की बात होती है, तो क्या था आपके मन में कि तुम मेशी होंगे, या क्या सोचा था? नहीं सॉरी, ये फिल्म जब मैं मतलब सोचा था मैंने एक फिल्म बनाने का, तो मैंने सोचा कि हम पहले अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं सबसे पहले, तो मैंने मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे, तो मैं मेरी लाइफ से मैं इंस्पायर होकर एक फिल्म मैंने सोची। जब मैं एक किरदार लिख रहा था ना मेरा, तो बट ऑब्वियसली मैं अपने आप को नहीं देख रहा था, मेरे आँख में एक ही चेहरा था, वो था धर्मेश शैलेंद्र। वो मना कर देता तो उसने मना ही कर दिया था पहले तो सुनने के लिए, लेकिन आपने बोला ना कि पिच करने के लिए कितना प्रॉब्लम होता है डायरेक्टर को, लेकिन डायरेक्टर के पास सिर्फ वो 10 मिनट या 15 मिनट होती है, क्योंकि ये स्टोरी परेश रावल सर ने भी सुनी है। परेश सर ने भी मुझे 5 मिनट दी थी, धर्मेश भाई ने भी मुझे 15 मिनट दी थी कि भाई 15 मिनट सुना, अगर मुझे बहुत काम है और मेरे को जाना है, और मैंने 15 मिनट अपनी जो थी वो मैंने अपना शिद्दत से दिया, तो भाई को अच्छी लगी, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि धर्मेश मेरी फिल्म में, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, और भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो मुझे चाहिए थे वो मिल गए, वो मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को। ये आपकी पहली फिल्म है अक्षय? यस, मेरी फर्स्ट डेब्यू फिल्म है। सो डेब्यू फिल्म की बात होती है तो बहुत सारी एक्साइटमेंट, बहुत सारी प्रेशर भी होगा डेफिनेटली, एंड गुजराती फिल्म है, इतना प्रेशर अभी क्या बताएं, प्रेशर बहुत है, लेकिन एक्चुअली क्या बात होती है ना कि मैं एक फिल्म, ये फिल्म के बारे में एक हल्की सी 2-3 लाइन बोलूँगा कि इंसान सफलता के पीछे भाग रहे, हर एक इंसान, मैं भी आप भी, तो जो भागते भागते जो फॉल डाउन, मतलब जो गिरते, एक बार गिरते, दो बार गिरते, तीन बार, जो तीन बार गिरते ना, उस टाइम पे जब आपकी एज लिमिट हो जाती ना, एक 40 इयर्स 45 इयर्स, जब आप उस टाइम पे गिरते हो ना, अब क्या, अब वो ऐसा कुछ करता है, पूरी दुनिया उसको ढूंढ रही है, वो मेरी स्टोरी है, तो ऐसा क्या करता है, तो वो बेसिकली मैंने स्टोरी में लिया है कि बचपन से ही शरारती बच्चा, और अपने डांस के बारे में इतना सीरियस नहीं, लेकिन अद्भुत टैलेंट है उसके अंदर, लेकिन नरेशन मध्य है पूरा पता चल जाएगा, तो वैसा ही स्टोरी में है, तो आपको देखने जाना। लिखी आपने, डायरेक्ट भावुक हो जाता है फटक से, लिखने और डायरेक्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोड्यूसर कौन है, पैसा कौन लगाएगा। हाँ, मैं एक चीज बोलूंगा, कि आप जब भी कोई कहानी लिखते हैं, मुझे पता है इनमें से बहुत सारे लोग लिखी होगी या कुछ चीज़ें शॉर्ट मूवी बनाई होगी, और जब उसे कंप्लीट करने के लिए किसका सपोर्ट मिलता है, वो उसके लिए अक्षय बहुत सारे लोगों से मिला, देन हमारे पिनल सर जो हैं वो कहीं से आए, एंड देन उन्होंने बोला कि ये मूवी मैं करूँगा, देन ऐसा लगा कि क्योंकि एक साल से तो सिर्फ घूम ही रहा था कि मुझे मेरी मूवी को अच्छी तरह से करने के लिए कौन है, सो देन पिनल सर आए, देन पिनल सर ने बोला कि मुझे स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं करूँगा, तो देन उसके बाद पिनल सर के सपोर्ट से एंड सब लोग के सपोर्ट से ये जो मूवी बनने का प्रोसेस है वो शुरू हो गया, एंड आज कंप्लीट हो गई। सो आपने देखा ट्रेलर, क्या कहेंगे आप? ऑलराइट, अब आई कैन डू इट इन इंग्लिश, राइट? ओके, सो जस्ट टेल अस हाउ मच यू लाइक्ड अबाउट द फिल्म। Film pehle se hi mujhe bahut pasand thi, right? And after looking the trailer, because I got personally involved in everything after the post production, I saw the trailer, I saw the effort that everybody put in, starting from Akshay Bhai, Dharmesh Bhai, and all the artists, Nikunj, Aniket, sab ne itna effort dala hai, right? So I'm seeing that effort on the screen right now, and I'm very proud of everyone, whatever the work they did. यही चीज है कि म्यूजिक इतना प्यारा है, एंड लवर बिरल भाई ने सचिन जिगर के साथ हिमेश सर के साथ वर्क किया है, नहीं उनके साथ वर्क किया है, सो
इनका इनके एक एक गाने जब मुझे मेरे पास आए ना सबके सब, और इसने पहले क्या किया ना गाने लिख लिए और पहले बना दिए, तो क्या ना जब नरेशन जब होता था तो क्या ना बीच बीच में गाना ये प्ले करता था, देखो इसके बाद ऐसे चलेगा, 15 मिनट के नरेशन में चार गाने अच्छा हाँ सो और गाने इतने अच्छे अच्छे यस बहुत अच्छे, इसका म्यूजिक बहुत अच्छा है पहली बात तो, और सबके सब गाने उसी दिन जब मैंने नरेशन सुना उसी दिन मैंने ले लिए थे कि भाई मुझे चाहिए, और मैं हर एक बार मैं सच बोलूं ऐसे नहीं कि मैं नॉर्मल, पर मैं ऐसे भी कभी होता हूं तो वो गाने सुनता हूं ऐसे रिलैक्स होता है ना कि अब फेवरेट गाने में से, तो सब मेरे ये फेवरेट गाने में से और मैं सुनते रहता हूं, सो यस देन उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक बनाना और हर एक चीज़ बहुत मुश्किल है, बट सभी लोगों ने सभी लोगों का साथ एंड सभी लोगों का सपोर्ट सही कम्प्लीट, इसमें काफ़ी सिंगर्स को भी आप सुन सकते हो, हाँ ये जो है इसमें 6 गाने टोटल, कीर्ति सगाटिया उन्होंने गाए, देव नेगी ने गाया, भूमि त्रिवेदी ने गाया, दिव्या कुमार ने गाया, और निखिलेश करके एक न्यू टैलेंट है उसने गाया, और मैंने और इन्होंने भी गाया और मैंने भी दो गाया सो एक लाइन पूरा एल्बम बहुत अच्छा बना है, एक लाइन वापस आँखों ने अंदर वस्ता नगर में कोई एक चेहरों हरकत करे छे कहे छे के जोने नदी पर तो बनने कांटे ज खड़का बहे छे। एक्चुअली मारा माटे मेरे लिए तो ये सॉन्ग कैसा है कि जैसे पहली बार मैंने मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है, बाकी सबका तो पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार जैसे मैंने तुम ही हो गाना सुना था, तो मुझे ना ये गाना जब से मैंने सुना तो मुझे मेरे ना वो कंपैरिजन में आ गया कि गुजराती लेवल में अगर तुम ही हो तो मेरे लिए ये है ये गाना, सो बहुत प्यारा म्यूजिक है। नए चेहरे नए किरदार भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन्हें हमने फिल्मों में देखा हुआ है, मुन्ना भाई की अगर हम बात करें तो कैन वी गो टू द सर, हमारे कहां से अक्षय सर जाके कुरुजी, और जैसे सर अक्षय ने बोला कि सर है मूवी में, मैं बोला अरे बाप रे दरवेश सर प्लीज मुझे आप शर्मिंदा मत कीजिए, आई एम योर बिग फैन और इट इज माय प्रिविलेज कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला, और पहली बार डांस म्यूजिकल जॉनर गुजराती फिल्म में है तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, अक्षय सर वांटेड मी ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर लालवानी कैरेक्टर, और हम लोगों ने अच्छा इम्प्रोवाइज किया और कैरेक्टर को थोड़ा चार चांद लगा दिया। लालवानी के अरे साईं मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये मास्क किड्स कहाँ छुप गए, ढूंढो उसे ढूंढो, वी वांट टू मेक देम स्टार्स, दिस इज अवर जैकपॉट। दूसरा बोलता हूँ अच्छा 2-4 फिल्म क्या कर ली तो तुम अपने आप को स्टार समझने लगे, दिस इज लालवानी, आई क्रिएट स्टार, आई मेक स्टार, आई विल डिस्ट्रॉय यू। हाँ और सबसे डायलॉग बुला के और पूरी मूवी आज यहीं हो जाएगी ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। सर और भी किरदार हैं, किसे मनवा रहे हैं आप? मैं मिलाऊंगा तरुण शिवानी, ब्रेशना और आ जाए उदय सर, ए इस साइड पे आओ ना तुम लोग, निकुंज, शिवम आप सब आ जाइए, शिवम है ना उधर है ना, ये सारे एक्टर है मेरे, शुरुआत से शुरू करूंगा शिवम से। तो शिवम आप नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं क्या? यस हम लोग की मारा मारी हुई है इसमें तो। सर मूवी के अंदर है थोड़ी झड़प है। बहुत प्यारा बता रहे हैं। 5-6 बार तो उसको हाँ मुझे तो लग भी गया था। पिटा मैं हूँ, मारा मारे कुछ नहीं है और सो कितना पिटा है इन्होंने आपको? नहीं ऐसा पीटा नहीं, ऐसा पीटा नहीं है एक्चुअली। मुझे ना इनसे इनसे एक चीज़ सीखने मिली। चलो मैं गुजरात से हूँ, मुझे गुजराती आती है, चलो मैंने ये डायलॉग बोल दिया, लेकिन ये गुजरात से नहीं, इसको गुजराती नहीं आती, लेकिन आप इसका एक्टिंग देखोगे ना, ये कन्वेंस कर रहा है अपने एक्टिंग से कि ये नेगेटिव कैरेक्टर है, वो आपको पोक कर रहा है कि आप वो चीज़ करो, और मैंने ये चीज़ अब डबिंग के टाइम पर मैंने देखी, मैंने लगा यार ये तो बहुत सही जा रहा है, एंड सिर्फ ये कैरेक्टर नहीं सभी कैरेक्टर ये मेरे एक दोस्त का काम कर रहा है। पहले मैं इनका जान चाहती हूं कि है तो बड़ा क्यूट सा फेस, हाँ। लेकिन नेगेटिव कर रहे हैं, हाँ। तो मतलब आपने एकदम बहुत मुश्किल है इनसे ही पूछो। सो मुझे पता चला इस मूवी के बारे में कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है और अक्षय सर कर रहे हैं और धर्मेश भाई के साथ है, तो मैंने कहा वाओ इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, तो
पढ़ा मैंने कि ऐसा ऐसा करेक्टर में, ऑफकोर्स डेफिनेटली आई विल डू यार, मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैं करूँगा ही करूँगा. बट मुझे भी ये था कि यार नेगेटिव कैरेक्टर है, मतलब ऐसा कर रहा हूँ, मतलब ऐसा फेस तो नहीं है, बट प्रॉपरली नेगेटिव तो नहीं था. एक कॉलेज में होता ना एक जेलिसी, वो उस टाइप का ही कैरेक्टर है कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे से ऊपर कोई नहीं आएगा, उस टाइप का ये कैरेक्टर. तो आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. और प्लीज़ सफलता देखिए, सफलता 0 किलोमीटर, आप बहुत एंजॉय करने वाले. वैसे आपकी बात करें तो आप पूरी फिल्म में साथ में दिखे हैं जी शौर्य के. मैं सपोर्टिव रोल कर रहा हूँ ये मूवी में धर्मेश भाई के साथ. सब बताना मत, ये सब पूछ रहे हैं, याद रखना. नहीं सब पूछ रहे, सबसे डायलॉग भी नहीं बताऊंगा, पूरा मूवी यही हो जाएगा. लेकिन हाँ, ये मैं इतना कहूंगा मेरे कैरेक्टर के बारे में कि जितने भी फ्रेंड्स हैं जो एक फ्रेंड की हेल्प करते हैं, उनके साथ रहते हैं लाइफ टाइम, तो वैसा ही कैरेक्टर है मेरा. कि मैंने हाँ खास मतलब मैंने फ्रेंडशिप को ज़्यादा मायने रखा है, पेरेंट्स को नहीं. मैं अपने फ्रेंड के साथ पूरी लाइफ रहा हूँ, तो एक मैसेज भी है सबके लिए कि एक फ्रेंड के साथ कैसे जिया जाए. मतलब इसका कहना ऐसा है कि पेरेंट्स तो है ही, वो तो कभी छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन मेरा दोस्त भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए. तो ये इसका एक तो पूरे मूवी में ऐसा एक फील है. अरे हो गया यार, एक्टिंग कितना एक्टिंग कर रहा है. सूरज और शिवानी, सूरज और नेहा, सूरज और नेहा, सूरज और नेहा ये कैरेक्टर कर रहे हैं. हेलो गाइज, हम लोग मैं हूँ तरुण, हम हैं तरुण एंड शिवानी, और हम ये मूवी में सूरज और नेहा का कैरेक्टर प्ले करें. हम बताएंगे नहीं क्या कैरेक्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. जब भी आप मूवी देखोगे, जब भी आप मूवी देखोगे तो पता चलेगा. बहुत ही नायाब एक्सपीरियंस है मेरे लिए, बिकॉज़ यस मुझे भी गुजराती बिल्कुल नहीं आती थी. एंड स्क्रिप्ट पढ़ी, समझी, मोस्ट ऑफ द डायलॉग्स मेरे अक्षय भाई ने हिंदी में कर दिए, तो आई एंजॉयड इट. एंड बहुत कुछ सीखने मिला. बड़े बड़े कलाकार हैं जिनके साथ में काम करने का मौका मिला. यस ये हमारे लिए एक डेब्यू ही था मेरे और शिवानी के लिए, और बहुत इंजॉय किया, बहुत कुछ सीखने मिला. और एक्चुअली हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हम धर्मेश सर के साथ ही मूवी कर रहे हैं, जबकि हम सर प्लीज डांस प्लस में देखा होगा कि हम सर के स्टूडेंट मतलब हम रहे, और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है ये मूवी के थ्रू, हम इनके साथ काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. और सर ने जो कैरेक्टर दिया है ना, वो बहुत ही डिफिकल्ट था. इसको भी आती नहीं है गुजराती, लेकिन फिर भी इसने नहीं, बट सर ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि सामने वाला बंदा मतलब एक्सपीरियंस्ड है, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उनका सपोर्ट उतना ही मिला जैसे हमें लगा ही नहीं कि हम लोग ऐसा फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. तो थैंक यू सर, आपके साथ काम करें बहुत. थैंक यू सो मच. ये हमारे पूर्वी बहन है जिन्होंने मेरे माँ का कैरेक्टर दिया है. और हमारे जितने भी कॉस्ट्यूम थे, जितने कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट थे, उनके हेड थे, इनके हाथ में था पूरा. एंड हर एक को क्या देना है, कैसे देना है, पूरा मैम ने किया. सो मैम थैंक यू सो मच. आपका एक्चुअली एक जगह पे काम नहीं था, इनका दो जगह पे काम था. एक तो कपड़े भी देखने हैं, ऊपर से एक्टिंग भी करनी है, और पूरा फील पकड़ना है. लेकिन जब रोने का एक सीन आया, तब मुझे पता चला यार ये तो इन्होंने थिएटर वियेटर किया है. मतलब मेरे जितने भी साथ में काम करने वाले ना, सब लोग थिएटर या कुछ ना कुछ किया हुआ है. मैं अकेला ऐसा था, अरे यार ये लोग तो मुझे मतलब नहीं, ये लोग भी मतलब बहुत अच्छा एक्टिंग है, लेकिन बहुत अच्छा एक्टिंग किया. एंड उसके बाद ब्रेशना जो मेरे साथ मुंबई रहते हैं, एंड एक कैरेक्टर हैं जो बाहर से आता है. सो मुझे अक्षय ने बोला था कि ब्रेशना जो है वो कर सकती है वो चीज़. सो देन ब्रेशना आपको कैसा लगा ये मूवी करके? स्टेज पे मत जाना, इनको हिंदी आता है. इनका पूरा हिंदी आता है, गुजराती समझ में आती है पर बोल नहीं सकती. मेरे लिए चैलेंजिंग था, 2-3 लाइन गुजराती में भी दे दिया था इन्होंने. और सबसे बेस्ट ये था कि मूवी में धर्मेश मुझे डांस सिखा रहे हैं, जो रियल लाइफ में कभी हुआ नहीं, तो उसमें बहुत मजा आया. देन इसके बाद हाँ, ये हमारे हैं राखी एंड यश. आपको कैसा लगा ये मूवी करके? हम बताएंगे हमने किया क्या है, है ना? अच्छा, ये होता स्मार्ट है, ऐसे फटक से जवाब नहीं मिलेगा. ये कुछ लोग बोल देते डायलॉग भी बोले और हर एक चीज बोली है, लेकिन ये लोग नहीं बोलेंगे, बहुत स्मार्ट लोग है ये लोग. हाँ, और इसके बाद मेरे जो पिताजी हैं, जिन्होंने मूवी में मेरे पिताजी का काम किया, उदय भाई, बहुत बहुत प्यारे बंदे हैं. एंड मुझे बहुत पसंद है ये. एंड मैं बहुत सब चीज़ें दिल से बोलता हूँ, मैं सीखा हूँ, मैं
ना ऐसे कैमरे के सामने बोलते हैं कि मैं इनसे बहुत चीज़ें सीखा हूँ, नहीं 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 नहीं, मैं रियली इनसे हर एक चीज़ सीखा हूँ, कैसे पॉजेस लेने डायलॉग में, कैसे काम करना मैं इनसे। तो सर तुमने क्यों लाग्यू हिंदी गुजराती क्या मतलब? नहीं मैं सब बोल सकता हूँ। हाँ ठीक है। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं धर्मेश का बाप हूँ। ये अच्छी चीज़। और इसका भी तीन जीवन तीन काल दिखाया गया है, और मेरा भी तीन जीवन तीन काल दिखाया गया है। तो मैं 35 साल का भी हूँ, मैं 50 साल का भी हूँ, और मैं 70 साल का भी हूँ। तो मतलब वेदना, आकांक्षा, आकांक्षा, वेदना, और उसके बाद में फिर सफलता। तो ये तीनों चीज़ मिला के जो हुआ है वो सब आपको पर्दे पे दिखेगा। तो 14 फरवरी को आप जरूर जाइए अपने नज़दीक के सिनेमा घर में, बहुत अच्छी फिल्म है। एक बात बोलूँ तो एक महा गुजराती थाली है जिसमें आपको सब मिलेगा। यस, तो जल्दी से जाइए सिनेमा घरों में, पहुँच जाइए। मैंने पूछो उनको, पर ये कि स्मार्टली बोलता है यार लोगों। सो वी हैव डन द कॉस्ट्यूम इन द टीम, सो वी वर कोऑर्डिनेटिंग विद द कलर, विजुलाइजिंग, एक्टिंग तो किसी, सो आई हैव परफॉर्म द रोल ऑफ बीइंग जज ऑफ द धर्मेश। यस हां, एंड उनको जज किया है डांस पे, मुझे कुछ नहीं आता है डांस। और मेरा पहला जो ऑडिशन था ये इन्होंने ही लिया। आपको कैसा लगा? हमने एक टीम है, हमारी एक टीम है, वी आर अ कॉस्ट्यूम टीम, यश भंडारी, माई सेल्फ राखी। तो हमने इसमें कॉस्ट्यूम इनपुट्स दिए अलॉन्ग विद अ वेरी सीनियर पर्सन इन द टीम, दैट्स पौरवी मैम। सो थ्री ऑफ अस हैव वर्क टुगेदर वेरी हार्ड एंड हैव ट्राइड टू गिव सम न्यू फ्लेवर टू द कॉस्ट्यूम्स। जैसे आप देखेंगे थोड़ा गुजरात का फ्लेवर है, गुजरात का टच है, एंड या हमने एक छोटा सा रोल भी प्ले किया है तीनों ने किया है यार, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा भी है। और हमारे छोटे बच्चे, वो तीसरी किधर है? अरे उसका एग्जाम। आप क्या कैरेक्टर कर रहे हो जल्दी बोलो। मैं धर्मेश सर का मतलब सौर्य का बचपन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और आप? मैं मनीषा मैम का चाइल्डहुड प्ले कर रही हूँ, जिमली का, और बहुत मजा आया शूटिंग करने में। इसका आवाज जल्दी से ऐसा हैवी हो गया, ऐसा नहीं लग रहा एकदम। सो इसमें और दो लोग हैं जो आए नहीं है, मनीषा एंड शिवानी, ये वो थोड़े अपने काम में शूटिंग में बिजी हैं। सो मेरा कैरेक्टर इसने किया है, देन जिमली का कैरेक्टर इसने किया है, देन निकुंज का कैरेक्टर, एंड धर्मेश व्यास, अरे सुपर, उनसे भी बहुत सब चीज़ें सीखने मिली। वो भी यहाँ पर नहीं है क्योंकि कुछ शूटिंग के काम की वजह से वो नहीं आ पाए। सो वो भी कुछ लोग हैं जो अपने काम के जैसे यहाँ पर नहीं आए, और एक तीसरा एक निकुंज का जो कैरेक्टर है वो भी आज नहीं आया। हाँ अमित, क्रिश जो अमित का कैरेक्टर किया है, क्रिश वो भी आज नहीं है क्योंकि बच्चा आई डोंट नो उसका होमवर्क बाकी होगा, एग्जाम होगा। इन लोग का एग्जाम नहीं है, ये लोग यहाँ प्रमोशन के लिए है, ये मीडिया वाले लोग हैं। सो ये है मेरी पूरी टीम, एंड इवन जितने डायरेक्शन टीम है एंड राइटिंग टीम है, हर एक लोगों का सपोर्ट है, सब लोग साथ में। सो यही है हमारी सफलता 0 किलोमीटर की फैमिली, जो ऐसे ही होगी। एंड इसके बाद अभी आपका टर्न है कि आप ये मूवी को कितना अच्छे तरीके से सराहते हो। यस, एंड 14 फेब को रिलीज़ हो रही है, तो आप सभी को जाना है अपने फैमिली के साथ, क्योंकि ये मूवी है जो बच्चे से कोई भी एज तक सब लोग देख सकते हैं। सो आप लोग प्लीज़ जाइएगा, थैंक यू सो मच। सफलता 0 किलोमीटर, सफलता 0 किलोमीटर।